हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ एक और प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम है टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रोजेक्ट को मैंने पाईचाम में ओपन करके रखा है। ये आप देख रहे हैं, टेम्पलेट्स के अंदर सारी HTML फाइल्स हैं। ऑलरेडी टर्मिनल पे मैं इसको रन कर चुका हूँ एंड दिस इज़ दी फ्रंट पेज। ये आपको पहला पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन नेविगेशन बार में मैंने ये सारे लिंक्स दिए हैं। होम होम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये कैरोजल दिखेगा जिसमें मैंने कुछ इमेजेस को यूज़ किया है। एंड उसके बाद आवर डेस्टिनेशन, ये एक टूरिज्म का प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग पैकेजेस एडमिन एड करेगा। ठीक है, पैकेज किस सिटी का है, किस कंट्री का है, कितनी कितने दिन और कितनी रात का है, तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी होम पेज पे। तो जितने ही पैकेज एडमिन ऐड करते जाएगा उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने ये चार ऐड किए हुए हैं। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो पहले ये मुझे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो होम के अलावा अगर हम देखें ब्लॉग, अब टूरिज्म के अलावा यहाँ पे एक ब्लॉगिंग सिस्टम भी दिया है। मतलब टूरिज्म से रिलेटेड एडमिन कुछ पोस्ट कर सकता है जिसमें इमेज रहेगा और उसका टाइटल रहेगा, फिर उसका पोस्ट का डेट रहेगा एंड यूज़र चाहे तो उसको फर्दर रीड कर सकता है सारे डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे आप ये जो कंटेंट देख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने एडमिन सेक्शन में व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर का यूज़ किया है। तो जिस फॉर्मेट में एडमिन ने कंटेंट अपलोड किया होगा, रेड कलर में, ब्लू कलर में, या फिर कोई इमेज दी होगी, या किसी को बोल्ड किया है, लिंक दिया है, तो वो उस फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा। जैसे मैं आपको किसी दूसरे उसमें जाके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं कुछ अलग फॉर्मेट में यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको जब एडमिन से लॉगिन करके दिखाऊंगा। एंड दिस इज़ दी लॉगिन पेज। तो मैं आपको साइन अप करके एक नया यूज़र क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़र का कुछ नाम दे दिया। एंड पासवर्ड दिया, सॉरी फर्स्ट नेम दिया, फिर लास्ट नेम दिया, फिर ईमेल आईडी दिया, देन आफ्टर पासवर्ड। अब यहाँ पे पासवर्ड जो रहेगा वो नाम से मैच नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा पासवर्ड में एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड नाम के जैसा रख देता हूँ जो मैंने यूज़र नेम दिया है, पासवर्ड में भी मैं अगर वही डाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है पासवर्ड काफ़ी छोटा है एंड नाम से ये मैच कर रहा है, सिमिलर टू यूज़र नेम, और एटलीस्ट इसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ travel123@। अब ये नाम से मैच नहीं हो रहा है एंड इसमें हमने एक स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर दिया एंड यहाँ पे मैंने 8 कैरेक्टर से ज़्यादा यूज़ कर लिए। तो ये हमारा साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया। अगर यूज़र नेम पासवर्ड मैच होता है यूज़र नेम पासवर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे मैच हो चुका है, तो वेलकम के साथ यूज़र का नाम आ गया, ये यूज़र का डैशबोर्ड ओपन हो गया एंड आप देख रहे हैं लिंक यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। यूज़र बुकिंग देख सकता है क्या क्या उसने बुक किया है। तो अभी माय बुकिंग में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कोई पैकेज बुक नहीं किया है, अभी अभी मैंने साइन अप किया है। तो ये एक नया यूज़र है, इसका अभी कोई बुकिंग नहीं है। मैं आपको बुकिंग करके दिखाऊंगा। व्यू ब्लॉग में वो ब्लॉग देख सकता है, ठीक है, न्यूज़ यहाँ पे डेट देख सकता है। व्यू प्रोफाइल में यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, जैसे अभी मोबाइल नंबर और एड्रेस में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि साइन अप करते समय हमने कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस नहीं दिया था, बट हम एडिट करके अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंड एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं अपडेट कर देता हूँ, मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, एड्रेस भी दे दिया एंड इमेज अगर देना चाहता हूँ तो मैं इमेज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ।
तो मैं यहां से कोई इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं, ओपन पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, तो ये प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब आप देखो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे जाने पर पहले कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस नहीं आ रहा था, बट अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस भी आएगा और उसके अलावा इमेज भी डिस्प्ले होगा। अब हम फिर से अगर एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे इमेज आपको ऑलरेडी दिखा रहा है। आप चेंज करना चाहते हैं तो फर्दर इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड चेंज पासवर्ड में जाके यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। कॉन्टैक्ट में जाके आप एडमिन को अगर कुछ क्वेरी सेंड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी डेस्टिनेशंस, अगर मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन का नाम लिखा और सर्च किया तो वो डेटाबेस में अगर होगा तो वो सर्च होके आएगा। एडमिन ने अगर वो ऐड किया तो वो सर्च होके आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और होम पे जाएंगे तो सारे डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, जो भी पैकेजेस हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो मैं होम पे जाके ही कुछ बुक कर लेता हूँ, किसी पैकेज को बुक करता हूँ। तो मैंने इस वाले पैकेज को सेलेक्ट कर लिया। अब पैकेज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, चार इमेजेस आएंगी एंड डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कितने डेज और कितने नाइट्स का ये पैकेज है, किस कंट्री में है, किस प्लेस पे आप विजिट करोगे। एंड उसके बाद आपको ट्रेवल किससे करना है, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, तो सबका अलग अलग प्राइस रहेगा। एडमिन ने ये ऐड किया होगा, जैसे मैं बस को सिलेक्ट करता हूँ तो 435, मैंने फूड को अगर नो कर दिया, मुझे फूड नहीं चाहिए, तो ये प्राइस चेंज नहीं होगा। यस कर दिया फूड को तो यहाँ पे ये प्राइस चेंज हो गया। मैं ट्रेन करता हूँ तो ये अलग प्राइस आ रहा है, फ्लाइट करता हूँ तो अलग प्राइस आ रहा है। ओके, तो सभी बस, ट्रेन, फ्लाइट का जो प्राइस होगा वो एडमिन ने ऐड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं फ्लाइट और फूड को भी यस कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस डेट को मुझे ट्रेवल करना है, सबमिट कर देता हूँ, तो ये हमारा बुकिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड उसके अलावा हम अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से चेक करके पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो बुकिंग अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और यहाँ से हम पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये एक डमी पेज मैंने बनाया हुआ है। पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया तो यूज़र यहाँ पे देख सकता है कि उसका बुकिंग का इन्फॉर्मेशन उसको अब डिस्प्ले होगा। जितने भी बुकिंग यूज़र करते जाएगा तो टेबल यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं एक फुटर भी मैंने दिया है। ओके, एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन से लॉगिन करके। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ओके कर दिया तो ये लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया। एंड एडमिन से लॉगिन करना है तो भी हमें इस लॉगिन पेज पे जाना है एंड एडमिन का यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है, जो मैंने क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करते हुए क्रिएट किया है। तो नाम और पासवर्ड है एडमिन एडमिन। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, एडमिन पैनल ओपन हो चुका है और एडमिन यहाँ पे देख सकता है कितने डेस्टिनेशन वो ऐड कर चुका है, कितनी टोटल बुकिंग्स आ चुकी हैं, कितने यूज़र रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये सारे यूज़र यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं एंड ऑल यूज़र में जाके हमें सारे यूज़र की डिटेल मिलेगी। अगर मुझे किसी को डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये डिलीट हो गया। एंड अगर मुझे कोई नया डेस्टिनेशन ऐड करना है तो मुझे प्लेस का नाम देना पड़ेगा, कंट्री, किस कंट्री के अंदर ये प्लेस है, बस का प्राइस कितना रहेगा, ट्रेन का, फ्लाइट का, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। और चार इमेजेस मुझे अपलोड करना है डेस्टिनेशन की, फूड का प्राइस कितना है वो देना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट होके आएगा जब यूज़र सेलेक्ट करेगा फ्लाइट से ट्रेवल करना है या बस से, तो जो प्राइस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कैलकुलेशन होके आएगा। एंड जो भी हमने डेस्टिनेशंस ऐड किए हैं तो उसको हम व्यू डेस्टिनेशन पे जाके देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मतलब इसको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाता हूँ मैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो हमने दी होंगी वो आ जाएगी और ये सारी इमेजेस आ गई।
चार इमेजेस हैं, आपको अगर किसी इमेज को अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, और प्राइस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो वो आप चेंज करके एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा व्यू बुकिंग, जो भी बुकिंग्स आई हैं तो वो बुकिंग की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। व्यू कॉन्टैक्ट, जो भी क्वेरीज अगर यूज़र करेगा, मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाया था, वहाँ से कोई क्वेरी आती है तो वो यहाँ डिस्प्ले होगी। एडमिन चाहे तो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, एंड दिस इज़ दी लॉग आउट बटन, यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ दी ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम, एक टूरिज्म प्रोजेक्ट है ये। अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, और ये सारी डिटेल मैंने दी है, क्या क्या मैंने यूज़ किया है। सॉफ्टवेयर में मैंने पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ किया है, आईडी आप पाईचाम या फिर पाईचाम के अलावा वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आईडी नहीं है तो आप इसको सीएमडी से भी रन कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर और जेंगो इंस्टॉल है। फ्रंट एंड के लिए मैंने डिज़ाइनिंग के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। बैक एंड में मैंने पाइथन और एसक्यूलाइट का यूज़ किया है। पाइथन हमारा लॉजिकल लैंग्वेज है, एसक्यूलाइट हमारा डेटाबेस है, आप चाहें तो MySQL के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।